गुड मॉर्निंग क्लास फोर। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी तिमछिम, और इसमें हम चैप्टर वन पार्ट एक मन के भोले भाले बादल, ये कविता हमने पढ़ी थी बच्चों, और इसके अभ्यास प्रश्न हम कर रहे थे। तो ये कविता लिखी थी कल्पनाथ सिंह ने, और इसके अभ्यास प्रश्न हमने यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बादल, आज आपको ये एक एक्टिविटी बुक में करनी है, कैसे कैसे बादल का तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। आपने क्या करने हैं, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाने हैं। अब देखिए यहाँ बुक में कैसे दिया है, काले काले डरावने बादल, काले काले डरावने बादल। आप आकाश में देख के, आसमान में देख के आप इन बादलों को बना सकते हैं, जो आपको कैसे लगते हैं, डरावने से। कुछ बादल ऐसे आकार बनाते हैं जिनको देख के हमें क्या लगता है, डर लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, डरावने बादल बनाने हैं। फिर गुब्बारों से गालों वाले कुछ ऐसे लगते हैं कि बहुत मोटे मोटे, जैसे गुब्बारा होता ना फूला हुआ, तो कुछ ऐसे फूले हुए गुब्बारे। तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए हल्के फुल्के सुहावने, तो कुछ बादल हमको क्या लगते हैं, काले डरावने लगते हैं गुब्बारों से गाले वाले, और कुछ कैसे लगते हैं, हल्के फुल्के सुहावने से बादल लगते हैं। तो यहाँ पे ये चित्र हमको बनाना है। तो ये तीन एक है काले डरावने बादल, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहावने बादल। तो ये तीन चित्र आपको यहाँ पे बनाने हैं। आगे देखिए इसमें कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो कविता में जो बादलों के लिए शब्द आया है वो भोला शब्द आया है, तो और जो बादलों को शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बादलों के लिए, वो तो कौन कौन से होते हैं, माँ से मत वाले, शैतानी, जैसे जिद्दी, तूफानी। तो कुछ कैसे होते हैं, मत वाले होते हैं, कुछ शैतानी होते हैं, कुछ जिद्दी और कुछ तूफानी बादल होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ आवाज़ें लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है, हम ये इंडेक्स दिया है, कॉलम दिया है, यहाँ पे हमको पानी की आवाज़ें, जब बारिश होती है तो उसकी आवाज़ें लिखनी है। तो कभी हमें छम 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 बारिश की आवाज़, कभी टप टप टप, और कभी रिमझिम रिमझिम, और कभी टिप टिप टिप, और कभी छप छप छप। इस तरीके से हमें क्या सुनाई देती हैं, बारिश की आवाज़ सुनाई देती हैं। तो आज आपको जो मैंने बुक में बताया बच्चों, इतना आपको अब जो ये आपकी बुक है इसमें ही इसको सॉल्व करना है, और जो मैंने ये कविता आपको पढ़ाई थी इसको भी आपने क्या करना है, पढ़ना है, और इसके बाद ये लेसन जो आपकी पोएम है, कविता है, ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद मैं जितना मैंने पढ़ाया है इसमें मैं आपका टेस्ट लूँगी। तो अच्छे से इस कविता को पढ़िएगा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़ाए हैं उनको पढ़ेंगे।